1943 में मूवी आती है किस्मत। इस मूवी का बजट था 5 लाख रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 50 लाख रुपए की और इसने पूरी दुनिया में कमाई की 1 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1957 में मूवी आती है मदर इंडिया। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 4 करोड़ रुपए की और पूरी दुनिया से इसकी कमाई हुई 8 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1960 में मूवी आती है मुगले आजम। मूवी का बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 5 करोड़ 50 लाख रुपए की और इसकी पूरी दुनिया से कमाई हुई 11 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1961 में मूवी आती है गंगा जमुना सरस्वती। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 3 करोड़ 50 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 11 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1975 में मूवी आती है शोले। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 15 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 30 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर उसी साल एक और मूवी आती है जय संतोषी माँ। इस मूवी का बजट था 70 लाख रुपए, इसकी इंडिया में कमाई हुई 5 करोड़ रुपए की और इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 10 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1985 में मूवी आती है राम तेरी गंगा मैली। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 6 लाख रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 9 करोड़ 50 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 15 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1989 में सलमान खान की मूवी आती है मैंने प्यार किया। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 75 लाख रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 14 करोड़ रुपए की और इससे वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 28 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1993 में गोविंदा की पहली मूवी आती है आंखें। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 14 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 25 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1994 में सलमान खान की मूवी आती है हम आपके हैं कौन। इस मूवी का बजट था 6 करोड़ 25 लाख रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 75 करोड़ 50 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 101 करोड़ 65 लाख रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1995 में मूवी आती है शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 53 करोड़ 30 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 90 करोड़ रुपए की और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1996 में आमिर खान की पहली मूवी आती है राजा हिंदुस्तानी। इस मूवी का बजट था 5 करोड़ 75 लाख रुपए का, इसकी इंडिया में कमाई हुई 43 करोड़ 15 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 75 करोड़ 90 लाख रुपए की और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1997 में मूवी आती है बॉर्डर। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 40 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 54 करोड़ 55 लाख रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1998 में मूवी आती है कुछ कुछ होता है। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 46 करोड़ 85 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 91 करोड़ रुपए की और ये मूवी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2001 में मूवी आती है गदर। इस मूवी का बजट था 19 करोड़ रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 77 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 111 करोड़ 70 लाख रुपए की और ये मूवी सनी देओल की पहली मूवी थी और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2009 में मूवी आती है थ्री इडियट। इस मूवी का बजट था 77 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 202 करोड़ 95 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 400 करोड़ 60 लाख रुपए की और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2013 में मूवी आती है धूम 3।
इस मूवी का बजट था 175 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 284 करोड़ 60 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 556 करोड़ 75 लाख रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2013 में मूवी आती है क्रिश 3। इस मूवी का बजट था 95 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 224 करोड़ 90 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 393 करोड़ 35 लाख रुपए की और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2014 में मूवी आती है पीके। इस मूवी का बजट था 122 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 340 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 770 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2015 में सलमान खान की मूवी आती है बजरंगी भाईजान। इस मूवी का बजट था 125 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 320 करोड़ 30 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 918 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2016 में मूवी आती है दंगल। इस मूवी का बजट था 132 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 388 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 1970 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2017 में साउथ की मूवी आती है बाहुबली 2। इस मूवी का बजट था 185 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 511 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 1030 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2018 में मूवी आती है संजू। इस मूवी का बजट था 96 करोड़ रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 342 करोड़ 59 लाख रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 586 करोड़ 85 लाख रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2019 में मूवी आती है कबीर सिंह। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ रुपए का और इसकी इंडिया में कमाई हुई 278 करोड़ रुपए की और इससे पूरी दुनिया में कमाई हुई 379 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2019 में मूवी आती है URI द सर्जिकल स्ट्राइक। इस मूवी का बजट था 42 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 245 करोड़ रुपए की और इससे वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 342 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2020 में मूवी आती है ताना जी। इस मूवी का बजट था 125 करोड़ रुपए और इसकी इंडिया में कमाई हुई 280 करोड़ रुपए की और इससे वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 366 करोड़ रुपए की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवियां। इनमें से आपने किस मूवी को देखा है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।